नुमान जी, सच्ची सच्ची पहले बताओ, लव मैरिज है अरेंज मैरिज? सच्ची सच्ची लव मैरिज। अभी मैंने खड़ा किया, जब तक सच सच बोलोगे तो बिठाऊंगी। अगर सच नहीं बोलोगे तो बगैर होती है, मुझे बताओ कोई मैरिज लव के बगैर होती है? नहीं, कभी कभार नफरत के साथ भी होती है। कभी कभी अम्मी हो, कभी कभी कहते हैं हम बस शादी के वक्त घूंघट उठाएंगे, अम्मी तब देख लेंगे, आप अपनी मर्जी कर लो, कुछ भी कह लें लड़के, लेकिन नहीं ऐसा होता। एक से मेरे पास का लड़के शोबिज के खास तौर पे होते हैं ना, वो वादे बड़े करते हैं लड़कियों से, और शादी अम्मी की पसंद की होती है। कुछ नहीं कहने वाली, इधर आ जाओ, नहीं बोला नो, तुम मुझे साथ साथ समझो, नन समझ लो। पहले ही डरा दिया मुझे ससुराल के, इसलिए डर गई थी। अच्छा, ओए ओए, कितना कितना अरसा हुआ शादी से पहले आप लोगों को मिले हुए? 25 दिसंबर को शादी हुई है और एक साल हमारा जो है उससे पहले मिले थे। हाँ। एक साल और 6 महीने पहले हमारी जो एंगेजमेंट हुई थी। कहाँ आपको दिखी? ये एक शो था। हाँ। उसके अंदर मुझे ये पहली बार दिखी थी। शो मतलब एज अ ऑडियंस? नहीं नहीं, ये जो है एक सोशल वर्क काम करती हैं इनकी नानी के साथ, जो कि है बिंते फातिमा फाउंडेशन, ओल्ड एज हाउस जो है, तो उसमें जो है इनकी नानी रन करती है वहाँ पर। अच्छा। ये और उनकी नानी वहाँ पर आई हुई थी, तो उस दौरान जो है मैं शो में गया था एज अ गेस्ट, तो वहाँ पर मैंने उनकी नानी का जो ये सोशल वर्क देखा, मुझे अच्छा लगा। फिर मैं उनके वहाँ पर गया, मैंने विजिट किया। हाँ। तो वहाँ जाके मैंने इनका काम देखा, उसके बाद जो है ऑन एंड ऑफ इन आप नानी के काम से इंप्रेस होके आपने नवासी पे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, यही बात है। अच्छा, स्पेशली कितना अच्छा होता है।